वेलसो गाइज, आई होप यू आर इंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। और जो वर्ड अब यहाँ पर सेहत बोला जाता है, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं केसेस जैसे जैसे बढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा और सतर्क यहाँ पर हो जाना चाहिए। और ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको इस सब चीजों के बारे में पता है कि कोविड 19 क्या है, कैसे फैल रहा है, आप लोगों को सारी अवेयरनेस है। और कम से कम बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एक अच्छे जागरूक होने के नाते आप लोगों के ये भी एक आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने परिवार और आसपास में इन सब चीजों का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, तो इसको यहीं पर ही रोका जा सकता है। जैसे मॉर्निंग में आर्टिकल भी डिस्कस किया था, कई सारी कंट्री ऐसी है जैसे आप लोग आसपास वाले रीजन में अगर उनके ऊपर नजर डालेंगे, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, या फिर चाइना वाला रीजन हो गया, ताइवान, हांगकांग, तो ये ऑलरेडी इसको कंट्रोल कर चुके हैं। तो वो किसकी वजह से? अवेयरनेस की वजह से। अवेयरनेस का जो नेटवर्क है बहुत तगड़ा है वहां पर, इसलिए सारी चीजें आसान से हो पा रही है। तो आप लोगों को भी इसके ऊपर फोकस देकर चलना है। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के बारे में। देखिए, खुश रहना हर एक इंसान का मन करता है कि वो हर टाइम खुश रहे, पर लेकिन सिचुएशन, कंडीशन और कई बार ऐसा माहौल बन जाता है कि इंसान खुश नहीं रह पाता है, और इसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आज की डेट में कई सारी कंट्री ऐसी है जहां पर लोग जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, वो अपनी कंट्री में आसानी से नहीं रह पा रहे हैं। जैसे सीरिया का उदाहरण आप लोग ले सकते हैं। अब आज की डेट में तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ही एक तरीके से पैनिक आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि लोगों के मन में डर है किसको, कोरोना वायरस को लेकर। तो इसी के चलते यहां पर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यहां पर इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सेलिब्रेट किया जाता है कि किस तरीके से हम लोग खुश रह सकते हैं। तो ये जो स्टार्ट किया गया था 2012 से, इसको स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है किसके द्वारा इसको स्टार्ट कराया गया था? तो ये था यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूएन। यूएन के द्वारा डिक्लेयर किया गया मार्च 20, जिसको हम लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में यहां पर सेलिब्रेट करते हैं। ये एक तरीके का एनुअल इवेंट बन चुका है आज के डेट में, यानी कि हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली। और जो ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यहां पर ऑर्गेनाइज कराया जाता है प्रमोट करने के लिए, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक हैप्पीनेस की फीलिंग आ सके, यानी कि लोग जो है वो खुश रह सके, और इसी के साथ में जो ग्लोबल ह्यूमन राइट है उनके ऊपर भी ध्यान दिया जा सके। यानी कि इंसानों को इंसान की तरीके से ट्रीट करो, इंसानों को जानवर की तरीके से ट्रीट नहीं करना है कि जिस तरीके से जानवरों को मार मार कर खा जाते हैं, तो कम से कम इंसानों को तो कम से कम इंसानों की तरीके से रखो। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर ये डे सेलिब्रेट करते हैं। और जो थीम है इसकी यहां पर, वो भी कुछ ऐसी यहां पर बात की जा रही है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो जो इसकी थीम है यहां पर, यह हैप्पीनेस फॉर ऑल, यानी कि जो हैप्पीनेस है वो सबके लिए है, और फॉर एवर और हमेशा के लिए है। तो ये थीम है यहां पर, जो कि फोकस एरिया भी आप लोग बोल सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हर एक इंसान कैसे खुश रह सकता है, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। और अकेले के लिए नहीं, ये सबको साथ में लेकर चलना है। जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ये जो SDG गोल है, टोटल मिलाकर 17 गोल, उनका भी फोकस ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सोसाइटी को किस तरीके से एक ऐसी सोसाइटी बना सके ताकि सब मिलजुल कर रहे। आज के डेट में लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। मान लीजिए आप लोग भी क्या कर रहे हैं, अपने घर से कहीं दूर आकर रह रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। कई सारी लड़कियों की शादी हो जाती है, वो एक सिटी से दूसरी सिटी में पहुंच जाती है, कई बार तो इंटर राज्य भी यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। आप लोग भी जॉब करने के लिए एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, कई बार एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंच जाते हैं। तो हर एक कंट्री में, हर एक जगह पर जहां पर भी आप लोग रह सकें, वहां पर कम से कम इतना आप लोगों को वहां पर चीजें मिल जाए ताकि आप लोग खुश रह सकें और अपनी जिंदगी को अच्छे से व्यतीत कर सकें। तो ये बेसिक फोकस एरिया है यहां पर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस का, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डे है जो कि याद रखते हैं, और थीम काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ता हूं, आइए अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। एक एक कर यहां पर क्विज देखते हैं, इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो बात की जा रही है, जो चीफ मिनिस्टर होता है वो अपॉइंट किया जाता है यहां पर किसके द्वारा, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में अगर कोई टाई हो जाता है असेंबली में जब वोट डाली जाती है, तो टाई जो वोट होती है उसको क्लियर करने के लिए किसके हाथ में पावर यहां पर दे रखी है, ये आप लोगों को बताना है। कास्टिंग वोट जो है वो किसके हाथ में, ये आप लोगों को बताना है। सागरमाला जो फ्लेक्सी प्रोग्राम है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये आप लोगों को बताना है। सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2019, ये कब का जो एक्ट था हमारी कंट्री में, उसको चेंज कर ये लाया जा रहा है। और मेन फोकस किस चीज पे है जिसको, इसको रोकने की बात की जा रही है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए दंड भी है आप जहां पर एक तरीके से 2 साल तक की सजा की भी बात की जा रही है, सॉरी 3 साल तक की सजा की बात की जा रही है, और 10 लाख रुपए का फाइन लग सकता है, या फिर दोनों भी देखने को मिल सकते हैं अगर ये हरकत करते हैं। तो ये वो कौन सी हरकत है जिसको रोकने की बात यहां पर की जा रही है, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसमें रोपेक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो इसके बारे में यहां पर जो रोपेक्स है, ये है यहां पर बहुचा ढाका मुंबई से लेकर यहां पर, ये है यहां पर मांडवा अलीबाग महाराष्ट्र में। तो यहां तक ये सारी चीजें हैं जो कि एक तरीके से फैलाई जा रही हैं। रोपेक्स जो सर्विस है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोजेक्ट है, ये किस पर्टिकुलर एरिया की एजेंसी के अंडर में आती है जो कि इसको लीड कर चल रही है।
नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये एक ही क्वेश्चन था जिसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। यहां पर जो बात की जा रही है ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर टीम के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जो किन्नर कम्युनिटी की जो टीम है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो फर्स्ट जो टीम थी यहां पर ये ट्रांसमैन की, ये किस कंट्री में देखने को मिली, ये आप लोगों को बताना है। तो ये थे टोटल क्वेश्चन जिसके आंसर आप लोगों को देने हैं। इसी के बाद में फिर मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा, मैच कर आप लोग स्कोर लिखेगा अपना कि आप लोगों ने कितना अच्छे से सीखा है, यहां से वो पता चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सीएम को अपॉइंट करते हैं गवर्नर जो उस राज्य के रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर स्पीकर के हाथ में पावर होती है, अगर टाई हो जाता है तो उसको टाई को कैंसिल करने के लिए स्पीकर के हाथ में पावर दी जाती है, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। सागरमाला प्रोग्राम के बारे में अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का यह प्रोजेक्ट है, जो कि क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाता है। सिनेमेटोग्राफ एक्ट जो है ये 1950 का है, जिसको चेंज करकर अब लेटेस्ट यहां पर एक्ट लाया जा रहा है जिसको सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल के नाम से आप लोग जानते हैं। पायरेसी को रोकने के लिए, जैसे मैंने कल भी आप लोगों को उदाहरण दिया था मांझी द माउंटेन मैन, वो मूवी ऐसी थी जो कि रिलीज होने से पहले मार्केट में आ गई थी, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी मेहनत बर्बाद हो गई, तो उसको रोकने के लिए यहां पर 3 साल तक की सजा, 10 लाख तक का फाइन या फिर दोनों लग सकती है। पर लेकिन जो रिलीज करते हैं वो मैक्सिमम कॉम्पिटिटर रहते हैं, 10-20 लाख रुपए उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, हाँ सजा जरूर मायने रखती है, तो कम से कम सजा यहां पर 5 साल की होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, तो ताकि जो चीजें हैं वो और ज्यादा इंपैक्ट यहां पर डाल सके, ओवर वर्ड यहां पर हट जाना चाहिए, यहां पर बोथ होना चाहिए ताकि और ज्यादा इंपैक्ट ये डालें, तो ये कंडीशन यहां पर समझी जा सकती है। तो इसीलिए बोल रहा हूं ये कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा बातें ताकि आप लोग इसको याद रख सकें। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है यहां पर, जिसके द्वारा रोपैक सर्विस ये स्टार्ट की गई है। रोपैक सर्विस एक तरीके की फेरी सर्विस है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बताया भी था उदाहरण देखकर, कि मान लीजिए यहां पर कोई आइलैंड है और ये मेनलैंड है, तो यहां से कनेक्ट करने के लिए एक तरीके से नाव आप लोग बोल सकते हैं, मोटे तौर पर एक शिप रहता है जिसमें सारी चीजें भरकर ली जाती है, 200 के करीब कार आ जाती है और लगभग 1000 के करीब उसमें लोग आ जाते हैं, एक जगह से जब दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। तो मुंबई महाराष्ट्र में यहां पर ये चीजें स्टार्ट की गई है। रोपेक्स जो सर्विस है यहां पर ये ईस्टर्न वाटर फ्रंट डेवलपमेंट की आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखते हैं। मणिपुर ट्रांसजेंडर फुटबॉल ये टीम यहां पर भी सामने निकल कर आ रही है, जो कि कंट्री में फर्स्ट ट्रांसमेंस टीम आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो कि क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, शायद आप लोगों को याद होगा हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, वो केस आप लोगों को उस केस का टाइटल बताना है जिसमें हमारी कंट्री को जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको फंडामेंटल राइट देने की बात की गई थी और थर्ड जेंडर बनाने की बात की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट का वो केस कौन सा है ये आप लोग बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पहले भी बन चुका है और आगे भी पूछा जाएगा जब तक इनको राइट या इनके हक इनको नहीं मिल जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आंसर देना है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट आप लोग जानते हैं कोविड-19 की सिचुएशन क्या बन चुकी है यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में। चाइना में सबसे ज्यादा केस है, इटली में दूसरे नंबर, ईरान तीसरे नंबर पर, स्पेन 4 नंबर पर, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो 4 कंट्री हैं ये सबसे बड़ा शेयर यहाँ पर लेकर घूम रही है। जर्मनी और साउथ कोरिया भी इसी कैटेगरी में आप लोगों को नजर आएगा, बाकी इंडिया जो है वो अभी ना के बराबर केस आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो टोटल मिलाकर जो 137 केस हमारी कंट्री में आ रहे हैं, सबसे अच्छी बात अब तक क्या है इन केसेस की, कि हमारी कंट्री में ये कंट्री के अंदर ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिल रहा है, कि हमारी कंट्री के अंदर एक इंसान को हो गया है, उसी के इंसान से दूसरे पर हो रहा है, फिर तीसरे को हो रहा है, फिर चौथे को हो रहा है, ये एक गनीमत की बात है। मैक्सिमम केसेस जो अब तक निकल कर आ रहे हैं वो यहां पर क्रॉस बाउंड्री ट्रांसमिशन है, यानी कि और कंट्री में गए थे फिर हमारी कंट्री में आ रहे हैं, ऐसे केसेस आप लोगों को ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और इसी के चलते 51 नई लेबोरेटरी बनाने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में, ताकि इन सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो यही इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जितनी जल्दी हम लोग अवेयरनेस फैला पाएंगे उतनी ही जल्दी सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो प्रिस्क्रिप्शन बताया गया कि ऐसे ऐसे आप लोगों को टेस्ट कंडक्ट कराने हैं, तो उसके हिसाब से मिलकर यहां पर हमारी कंट्री में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो काम कर रही है, ठीक है। तो बलराम भार्गव जो है यहां पर, उनके द्वारा यहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है, जो कि यहां पर ये इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल भी हैं, ओके। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, और आप लोगों को मैंने बताया भी था यहां पर जो साक जो मीटिंग है, जो साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन है, उसके टोटल 8 कंट्री के द्वारा मिलकर भी यहां पर अभी इसको टैगल करने की बात की जा रही है, और इंडिया के द्वारा 100 मिलियन जो डॉलर है वो अभी दिए गए हैं, वो सॉरी 10 मिलियन डॉलर अभी दिए गए इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो एक तरीका ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटीग्रेशन भी अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यह है कंप्लीट इसके बारे में इंफॉर्मेशन, आइए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये है हमारी कंट्री में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने की बात की जा रही है। अब तक शॉर्ट सर्विस कमीशन उनको दिया जाता था। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब क्या होता है, या तो महिला जो है 10 साल तक नौकरी करेगी या फिर मैक्सिमम उसको 4 साल और यानी कि 14 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। परमानेंट कमीशन का क्या मतलब होता है, परमानेंट कमीशन है कि जब तक रिटायरमेंट की एज नहीं आती है उस पर्टिकुलर आर्मी के अंदर या फिर जिस भी एरिया में जॉब कर रहे हैं, जब तक उसकी कंप्लीट जो फाइनल एज नहीं आती है रिटायरमेंट की, तब तक रिटायरमेंट नहीं होता है, तो उसको परमानेंट कमीशन बोलते हैं। तो अब तक जो वुमेन थी यानी कि महिलाएं थी उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता था, अब उनको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे मेल काउंटर पार्ट यानी कि जिस
तरीके से मेल कम्युनिटी को दिया जाता है। तो यहां पर एक बेंच है जो कि डीवाई चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में और अजय रस्तोगी जी की अध्यक्षता में यहां पर बनाई गई। तो उसके द्वारा बनाया गया कि बहुत सारे एक्सक्यूज 101 एक्सक्यूज दिए गए, उन्हें बोलते हैं उदाहरण के तौर पर बोल देते हैं कि इतने एक्सक्यूज दिए जा चुके हैं कि मदरहुड को देखा जाए। इसी के साथ में अगर आप लोग देखिए एक तरीके से जो महिला है ना उनको ये मनाते हैं कि बॉडी की उनकी एक लिमिटेशन है कि उनकी जो बॉडी है वो उस तरीके की नहीं है जिस तरीके से यहां पर एक फोर्स का जवान होना चाहिए। तो ये बात यहां पर बोली जाती है। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि जब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म होता है, यानी कि उसकी फिजिकल लिमिटेशन आप लोग बोल रहे हैं जो मरकर पैदा करती है एक दूसरे बच्चे को, तो उसकी आप लोग बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक फालतू के एक्सक्यूज है। उसी तरीके की आप लोग यहां पर फैसिलिटीज दे सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऐसा कि हमारी कंट्री है जहां पर यहां पर फीमेल आप लोगों को फोर्सेज में देखने को मिलती है। आप लोग दूसरी कंट्री में जाकर देखो कितने शानदार तरीके से ट्रेन किया जाता है और फुल लेवल पर वहां पर फीमेल फोर्सेज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये गलत है, ये स्टीरियोटाइप माइंडसेट है, इनको दूर कीजिए और प्रॉपर वे में चीजों को आगे लेकर चलिए। तो जो जजमेंट है उनके द्वारा बोला गया कि 17 जो वुमेन है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स उनके द्वारा यहां पर बोला गया था जिनके एडवोकेट है यहां पर ऐश्वर्या भाटी, ठीक है, तो इनका नाम भी आप लोग याद रखते हैं, हालांकि कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछेगा इसके बारे में। तो इनके द्वारा बोला गया यहां पर जो केस लड़ा जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन से बढ़ाकर परमानेंट कमीशन यहां पर वुमेन को मिलना चाहिए। जिस तरीके से परमानेंट कंप्लीट जो टाइम ड्यूरेशन होता है कंप्लीट करने के बाद में 60 साल की जॉब करके जब रिटायर होता है पर्सन और उसके बाद में फिर पेंशन भी दी जाती है तो सारी फैसिलिटीज वुमेन को भी यहां पर मिलनी चाहिए, उसी को यहां पर सपोर्ट करने की बात की जा रही है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहां पर, अगर कोई पर्सन परमानेंट कमीशन में यहां पर सेलेक्ट होता है तो वो शॉर्ट सर्विस कमीशन को चूज नहीं कर सकता, पर शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला बंदा जो है वो एक्सटेंड करके अगर वो प्रॉपर वे में काम कर रहा है तो परमानेंट कमीशन में उसको बधाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट है, यहां पर वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है, एक साइड में पॉसिबल है बस, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद में बोला गया कि ये सिचुएशन आप लोगों को टैकल करनी है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, आई होप कि आप लोग कंप्लीटली इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। आइए अब आगे चलता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर निकल कर आ रहा है पोल्यूशन से रिलेटेड। आप लोगों को पता है आज के डेट में पोल्यूशन को ध्यान में रखकर कई सारे स्टेप उठाए जाते हैं। तो अभी यहां पर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के द्वारा जो यहां पर अभी खासकर जो दिल्ली आर्म्ड पुलिस लाइन इन द्वारिका में कंस्ट्रक्शन वर्क जो चलाया जा रहा था उसके चलते 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया, क्योंकि 19 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको इंस्पेक्ट किया गया और उसके बाद में पता चला कि ये प्रॉपर रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी कंट्री में ये ऑर्गेनाइजेशन है जो सब जगह ऐसा फोकस देकर चलती है ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। पोल्यूशन, जब पोल्यूशन की हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ी बात आती है कि कौन सी बॉडी है, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये कैसी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा ये बनाई गई है हमारी कंट्री में। तो फिर लॉ का कौन सा एक्ट है वो पता होना चाहिए। तो यहां पर आज की डेट में बात करें तो एस्टैब्लिश की गई है 1974 अंडर वाटर एक्ट 1974 के हिसाब से, जिसके चलते यहां पर ये काम करती है। और इसी के साथ में एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 के हिसाब से भी यहां पर इसको पावर मिली हुई है। ये जो बॉडी आती है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में ये बॉडी आती है। इसको बनाया गया था 1974 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, एसपी सिंह परिहार जो चेयरमैन है इसके। ये इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं जो कि एक स्टैटिक पोर्शन है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में होती है तो। और देखिए मिनिस्ट्री जो है वो जरूर आप लोग याद रखिएगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है एक ए फोर साइज की सीट आप लोगों को लेनी है, उनके नाम कम से कम सामने लिखने और लिखिएगा किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो वो कम से कम वो वाली ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, वैसे सारी लिखने बैठेंगे तो कोई मतलब नहीं है, लिखा वो चीज कीजिए जो आप लोगों को लगता है याद नहीं रखेंगे, आप लोग भूल जाएंगे, उसका रिवीजन आप लोगों को करना है, ठीक है। तो ये फैक्ट है जो कि आप लोगों को इंप्लीमेंट करके चलना है अपनी स्टडी के ड्यूरेशन में। ओके, आगे बढ़ता हूं, आगे चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है कि मैंडेटरी किया गया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को नोटिफाई किया गया है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो टेस्ट प्रोवाइड कराया जाए अगर किसी को यहां पर लगता है कि इसको ये बीमारी है तो वो टेस्ट फ्री में होना चाहिए। तो ये मैंडेटरी यहां पर किसके द्वारा, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा भी और ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा भी ये स्टेप उठाया गया है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ICMR के बारे में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हमारी कंट्री में एक एपेक्स बॉडी है जो यहां पर कोऑर्डिनेट करती है, प्रमोट करती है बायोमेडिकल रिसर्च अगर कोई करनी होती है तो लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी हमारी कंट्री में इसको बोल सकते हैं। इवन वर्ल्ड वाइड भी इसका काफी अच्छी प्रेजेंस अगर आप बोले वर्ल्ड के साथ में कंपेयर करें तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट इसको बोला जा रहा है। इंडिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, यहां पर ये हैं बलराम भार्गव जो आज के डेट में इसके डायरेक्टर जनरल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है और 1911 में ये एजेंसी बनाई गई थी, ठीक है। तो ये इसके बारे में फैक्ट है जो याद रखेगा। ICMR जो है यहां पर ये एक तरीके से 2 रैपिड टेस्ट की बात की जा रही है, यूनिट अभी रिसेंटली उड़ीसा के अंदर में और इसी के साथ में नोएडा के अंदर में,
और इसी के साथ में टेस्ट किए गए इसके द्वारा 1400 के करीब सैंपल, तो आने वाले टाइम में और एरिया में भी यहां पर रैपिड यूनिट खोलने की बात की जा रही है। इसी के साथ में यहां पर जो प्राइवेट टेस्टिंग लैब्स हैं उनको भी यहां पर प्रिस्क्राइब क्वालिफाइड फिजिशियन वहां पर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी अरा गहरा नथु खेरा वहां पर बैठकर ये ट्रायल कर रहे हैं, वो नहीं कहते झोला छाप डॉक्टर टाइप में कोई आ गया है तो वो आप लोगों को नहीं करना है। और इसी के साथ में हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये बोला गया है, इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि देखिए कई बार क्या होता है जैसे पोस्टमार्टम आप लोग यूज करते हैं ना वर्ड, तो उसको अवॉइड करना है आप, और अगर कराना भी है तो एक स्पेशल प्रॉपर एक तरीके से होनी होता है कि आप प्रॉपर ये पर्सन वेल ट्रेन जो फिजिशियन है वो पर्टिकुलर यहां पर काम कर रहा है, तो वो सारी चीजें यहां पर होनी चाहिए। लिमिटेड स्टाफ की वजह से कई बार क्या होता है, मान लीजिए अगर किसी पर्सन को ये बीमारी है उसकी डेथ हो गई है, अगर उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो चांस ये लग सकते हैं कि और भी कई सारे लोगों को ये बीमारी फैल सकती है, तो वो प्रॉपर एक कंट्रोल एनवायरमेंट में वो चीजें होनी चाहिए ताकि वो सिचुएशन आगे न बढ़े। ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क भी लगाती है यहाँ पर जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी के ऊपर। हमारी कंट्री के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जो कि अभी रिसेंटली रिटायर हुए थे, इनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड कर दिया गया है, तो ये सोचने वाली बात है यहाँ पर कि इस तरीके से कम एक कूलिंग पीरियड होता है वो कम से कम यहाँ पर होना चाहिए, 4 से 5 साल किसी पर्सन को इस तरीके से कोई पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए। अब उसके चलते यहाँ पर इनसे पूछा गया कि आपका क्या व्यू है इसके बारे में, तो इनके द्वारा बोला गया कि मैं जुडिशरी को रिप्रेजेंट करूंगा राज्यसभा के अंदर में, तो मुझे नहीं लगता कि ये पोस्ट एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत है यहाँ पर। तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब जो है वो नॉमिनेट कर देंगे राज्यसभा से, और राज्यसभा से नॉमिनेट होने वाले आसाम से दूसरे पर्सन है, एक है यहाँ पर मरीनल मिरी, तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं जो कि एक एजुकेशनिस्ट है यहाँ पर राज्यसभा में, और दूसरी साइड में अगर बात करेंगे यहाँ पर ये बीबी दत्ता, और इसी के साथ में तो मेघालय से हो गए, और मैरी कॉम कहां से है, ये है मणिपुर से, तो नॉर्थ ईस्ट से मिलाकर टोटल मिलाकर 4 पर्सन आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। आप लोग कितने सहमत है इससे यहाँ पर कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए हैं और एकदम इनको राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये फेवरेटिज्म वाली बात आ जाती है यहाँ पर निकलकर, तो उसी के चलते क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं यहाँ पर इनके नॉमिनेशन के ऊपर कि कितने हद तक ये चीजें सही हैं। ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है, इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो वहां पर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर इंडिया के द्वारा अभी P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम, ये है यहाँ पर ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर, यानी कि एक तरीके से जो पनडुब्बी नहीं बोलते आप लोग, ठीक है, तो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये जो बोइंग कंपनी है यूएसए की उसे खरीदने की बात की जा रही है, ये यहाँ पर मई में स्टार्ट की गई थी और जनवरी 2020-22 तक का यहाँ पर बोला गया कि सारे जो भी इनके द्वारा प्रोसीजर है वो कंप्लीट किया जाएगा। हमारी कंट्री में और यूएसए के बीच में जो एक्ट है उसको याद रखिएगा, एक एक्ट है जिसको आप लोग बोल सकते हैं कॉम कासा का मतलब है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, यानी कि इंडिया और यूएसए मिलकर साथ में काम करेंगे और किस तरीके से एक दूसरे के साथ में कंपेटेबल रह सकते हैं, सिक्योरिटी में काम कर सकते हैं, तो इंडिया को एक तरीके से नेटो का साइड पार्टनर यहां पर माना जाता है इंडिया को, इस लेवल पर हम लोग यूएसए के साथ में आज के डेट में काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रोवर्सी कई बार इसके बारे में आ चुकी है कि यूएसए हमारी कंट्री में मिलिट्री बेस बनाएगा, ऐसा कुछ करेगा, हमारी कंट्री को अपने हिसाब से चलाएगा, वो सारी बातें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नवंबर 2019 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा यहां पर बोला गया था कि डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह जी है उनके द्वारा अप्रूव किया गया 6 एडिशनल P8I ये एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो यहां पर देखिए याद रखिएगा ये डिफेंस एक्विजिशन जो काउंसिल है ये किसके द्वारा चेयर की जाती है, तो डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा यहां पर चेयर की जाती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये एंटी सबमरीन यहां पर ये जो एयरक्राफ्ट है यहां पर बेसिकली ये काम क्या करेंगे, अगर कोई वॉरफेयर हो रहा है यहां पर बेसिकली पानी के अंदर में, तो नेवल वर्जन है यहां पर ये, इसलिए इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई पनडुब्बी है यहां पर वो आ रही है तो एक तरीके से पानी ही पानी में उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है उसके ऊपर भी फोकस यहां पर किया जा सकता है। तो कॉमकासा जो है यहां पर ये कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन में डालकर पूछ लिया जाता है, ये 4 फंडामेंटल एग्रीमेंट है इंडिया और यूएसए के बीच में, तो उनमें से ये एक एग्रीमेंट है जो कि किस तरीके से इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन इंडिया और यूएसए और सेल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह, वो भी सारा फोकस रहेगा। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए मैं आप लोग को समझा रहा हूं तो आप लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि मेरा और आपका एक तरीके से वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है जाकि मैं आप लोगों तक तो जो चीजें पहुंचाना चाह रहा हूं वो पहुंच सके, पर लेकिन जो भी मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं अगर वो समझ पा रहे हैं आप लोग तो एक तरीके से हम लोग इंटर ऑपरेबिलिटी प्रॉपर वे में हमारी इस्टेब्लिश हो चुकी है, तो यानी कि मैं समझाना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं और फिर अगर टाइम मिल रहा है तो दूसरों को पढ़ा भी रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोग सारी चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉमकासा जो है यहां पर ये तरीके से इंडिया स्पेसिफिक वर्जन है, अगर इंडिया स्पेसिफिक वर्जन जो है इसका यहां पर कॉमकासा का वो है यहां पर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, तो यहां पर कॉमकासा हो गया, तो यहां पर ये हो गया CISMOA, तो सिमोवा बोल दिया इसको, जो कि 10 साल के पीरियड के लिए यहां पर अभी वैलिड है। इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कॉमकासा के साथ में BCA, इसी के साथ में GSOMIA और यहां लिमोवा जो कि काफी ज्यादा न्यूज में भी था।
ये इसके अलावा यहां पर ये तीन एग्रीमेंट और हैं जो कि इंडिया और यूएसए मिलकर काम करते हैं कि डिफेंस एक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये बेसिकली वही है कि कैसे मिलकर काम किया जाए, अगर इंडिया यूएसए से कुछ खरीदना चाहता है तो वो खरीद सके, अपनी फोर्सेज के लिए कुछ सिक्योरिटी के कोई भी एग्रीमेंट करना चाहते हैं आसानी से इंडिया और यूएसए एक दूसरे के साथ में ऑपरेट कर सके, तो ये बेसिकली बात है। इंडिया यूएसए की डील के बारे में आप लोग याद रखिएगा, लिमोवा जो टर्म यूज किया गया इसका मतलब होता है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर कॉम का सा, ये कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट, इसी के साथ में बोला गया बीसीए, इसको बोला बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेटल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जो कि आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, अगर इंडिया और यूएसए के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो ये टर्म आप लोग वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि पता होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, हालांकि अगर आप लोग थोड़े लंबे समय से लेक्चर सुन रहे हैं तो ये चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, पर फिर भी एक बार रिविजन इसका कर लेते हैं। अबॉर्शन टिल 24 वीक स्पेशल कैटेगरी, यानी कि पहले अबॉर्शन जो था वो 20 वीक तक आप लोग करा सकते थे अगर प्रेगनेंसी होती है, अब 24 वीक तक उसको बढ़ा दिया गया है। तो इसके चलते क्या किया गया हमारी कंट्री में, तो यह मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 चेंज किसमें किया गया है, यह मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आप लोगों का, अब यहां पर क्या फैक्ट है, फैक्ट ये पहले 20 वीक था, अब इसको 24 वीक कर दिया, पर लेकिन स्पेशल सर्कमस्टेंसेज यानी कि स्पेशल कैटेगरी में होगा, यानी ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है, यहां पर ये कुछ लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, इसके बारे में क्या बात की जा रही है कि स्पेशल कैटेगरी फॉर वुमेन जो इंक्लूड किया जा रहा है रेप सर्वाइवर, अगर किसी का रेप होता है वो प्रेग्नेंट हो जाती है फिर उसके बाद में यहां पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना जरूरी है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उस तरीके से, कोई नहीं चाहता है कि कोई रेप कर उसका रेप किया गया किसी इंसान के द्वारा उसी का बच्चा वो अपने पेट में पाले, तो ये यहां पर उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में विक्टिम ऑफ इंसेस्ट, देखिए कई बार फैमिली मेंबर ही उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं, यहां पर ये भी कई बार ऐसे केसेस देखने को मिल के आते हैं। डिफरेंटली एबल्ड कोई माइनर है या डिफरेंटली एबल्ड है कोई माइनर पर्सन है, अगर उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, तो ये चार कैटेगरी रखी गई है। रेप विक्टिम कोई है, कोई परिवार में ही कोई ऐसा सिचुएशन देखने को मिलती है, गंदी वाली पोजीशन बन जाती है कोई ऐसी, अगर यहां पर डिफरेंटली एबल के साथ में हो रहा है, किसी माइनर पर्सन के साथ में हो रहा है, तो वो सारी इस टाइम पर यहां पर इसको टर्मिनेट करने के लिए 24 वीक की कैटेगरी में इसको डाला गया है। ये बात बोली गई हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा, इसके बारे में लिखने के लिए आए तो जरूर लिखेगा 20 से 24 वीक कर दिया गया ताकि जो वुमेन है उनकी डिग्निटी के बारे में बात की जा सके, उनकी सेफ्टी के बारे में बात की जा सके, और उनके ऊपर कोई प्रेशर ना डाले या फिर कोई उनका डायग्नोसिस करना है हेल्थ के बारे में बात रखी जाए तो उसको भी ढंग से इलाज कराया जा सके। तो ये सारे इसी डिसीजन के अंदर यहां पर कवर किए गए हैं। नेक्स्ट यहां पर ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रखते हैं, टिकटॉक को प्लान है, कोई नहीं है बैन करने का, कितने ऐसे लोग हैं जो कि टिकटॉक सुनते हैं। ठीक है, मैंने अब तक कोई अकाउंट नहीं बनाया टिकटॉक के ऊपर, तो टिकटॉक के बारे में यहां पर कई सारे बच्चे बोल भी रहे हैं कि सर, एक बच्चे ने काफी अच्छा सजेशन दिया था कि सर जो मोटिवेशन डेली आप डालते हो वीडियो के अंदर में, जैसे हिंदू का मोटिवेशन आता है वो सारी चीजें, तो टिकटॉक के ऊपर उसको अपलोड कर दिया करो, उसके अंदर कोई गाना भी इंक्लूड करके। तो ये देखिए वैसे एक अच्छा सजेशन है कि हाँ लोगों तक रीच हो जहां तक ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, पर लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर ये है कि वो मैसेज देने के लिए अगर प्लेटफॉर्म का यूज किया जाए, एक मिनट की वीडियो होती है तो एक अच्छा मैसेज देने के लिए उसको यूज किया जा सकता है, पर लेकिन जिस तरीके से मिसयूज हो रहा है आज के टाइम प्लेटफॉर्म का, उसके चलते कई सारी कंट्रीज को बैन करने की बात करते हैं, पर हमारी कंट्री में ये बोला गया कि बैन करने का कोई इरादा अभी इसके बारे में नहीं है। ठीक है, यहां पर UIDAI बोलते हैं, यहां पर ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा यहां पर एक नोटिस यहां पर इश्यू किया गया। पहले तो UIDAI है हमारी कंट्री में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, 2009 में इसको बनाया गया था। इसके बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं। यहां पर यह बोला गया कि सो कॉज नोटिस, यहां पर बात की जा रही है एनी पर्सन और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, अगर किसी का, देखिए बात की जाती है हमारी कंट्री में बेसिकली क्या होता है, कई बार फेक डॉक्यूमेंट यहां पर इंक्लूड कर लिए जाते हैं। ठीक है, कई बार फेक आधार कार्ड भी कई बार बनवाए जाते हैं अलग अलग तरीके से, तो उसको कैसे टैकल किया जाए, तो उसके बारे में यहां पर ये गाइडलाइन जारी की गई है, और जो फोकस किया जाएगा ये फोकस किया जाएगा यहां पर रेगुलेशन 27 और 28 आधार कार्ड इनरोलमेंट अपडेट रेगुलेशन 2016, इसके हिसाब से इसको टैकल किया जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी अगर कोई ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है तो। ठीक है, तो इसके बारे में यहां पर इन्फॉर्मेशन हो गई, एक हल्का सा आइडिया रखिएगा UIDAI के बारे में आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट है, ऑल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो है वो इंस्टॉल करने को बोला गया थर्मल स्कैनिंग, ताकि जो भी गवर्नमेंट इंप्लॉई है उनको टैगल किया जा सके ढंग से, उनको कोई बीमारी देखने को न मिले। बिहार के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया कोरोना वायरस को एज ए एपिडेमिक, तो ये याद रखिएगा जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया ये एपिडेमिक डिजीज इन बिहार गजट में इसको नोटिफाई कर दिया गया, जिसके चलते अब यहां पर इसके ऊपर और ज्यादा फोकस दिया जाएगा। सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे के द्वारा यहां पर जो प्लेटफॉर्म के जो प्राइस टिकट है उनको बढ़ा दिया गया है, प्लेटफॉर्म पर जो रहने का प्राइस है बेसिकली टिकट जो दिया जाता था 10 से लेकर 50 उसको कर दिया गया है, ताकि प्लेटफॉर्म वगैरह पे कोई ज्यादा भीड़ न देखने को मिले, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को पता है रेलवे पर कितने सारे लोग जो है फालतू में घूमते रहते हैं,
तो वो भीड़ कम करने के लिए यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया है। और यहाँ पर महाराजा टर्मिनस, ये जो बेसिकली एरिया बता रखे हैं यहाँ पर कि कहाँ कहाँ पर ये चीजें देखने को मिल सकती है, तो छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनस, इसी के साथ में ये यहाँ पर चर्च गेट, बांद्रा और मुंबई सेंट्रल, तो ये महाराष्ट्र के अंदर ये सारे स्टेप उठाए गए हैं, एक अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पर छोटे छोटे फैक्ट हैं यहाँ पर, ये भी चाइना के द्वारा यहाँ पर स्टॉप विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया गया यहाँ पर, क्योंकि वुहांग के अंदर कोई भी केसेस नहीं निकल कर आ रहा है, जस्ट एक केस देखने को मिला अभी रिसेंटली। यहाँ पर फ्रेंच टेनिस फेडरेशन के द्वारा पोस्टपोन कर दिया गया फ्रेंच ओपन यहाँ पर 20 सितंबर को, तो देखते हैं यहाँ पर कैसे आगे चीजें हो पाती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इवेंट है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। यूरो 2020 जो फुटबॉल सोकर है वो भी यहाँ पर फोकस कर दिया गया है 2021 में, तो इसी को ध्यान में रखते हुए तो ये सारे स्टेप आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कश्मीर और कारगिल के जो पिलग्रिम्स हैं उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से गवर्नमेंट जो है वो सजेस्ट कर रही है कि एक तरीके से इन्फेक्टेड जो कोरोना वायरस 2 से जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनको ढंग से यहाँ पर चेक किया जाए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ईरान के अंदर में जो कश्मीर और कारगिल वाले रीजन से यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उनकी भी हेल्प यहाँ पर की जाए, बेसिक फंडा ये बोला गया है। तो देखते हैं सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन, नजर आते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इंटरनेशनल डे के बारे में जाना इंपॉर्टेंट है, थीम क्या है वो जरूर याद रखेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्विज देखा जो कि शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा आंसर दिए गए। इसके बाद में कोविड-19 के विक्टिम कहाँ कहाँ पर कितने लोग आप लोगों को नजर आए वो सारा समझा। इसी के साथ में परमानेंट कमीशन की बात की वुमेन के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बात की, ये हम लोगों ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में जाना क्या कंडीशन है वो समझा। ICMR के द्वारा क्या बोला गया है कोविड-19 को लेकर, रंजन गोगोई साहब जो है हमारी कंट्री में नॉमिनेट कर दिए गए राज्यसभा के लिए। इसी के साथ में इंडिया और यूएसए के रिलेशन, डिफेंस के ऊपर फोकस था थोड़ा सा, और कौन कौन से एग्रीमेंट है हल्का हल्का सा और भी उनके बारे में भी लिया। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के बारे में हम लोगों ने जाना, टिकटॉक और यहाँ पर UIDAI के बारे में जाना, वन लाइनर न्यूज में कई सारी न्यूज आप लोगों को देखने को मिली। तो ये था टोटल डिस्कशन, आइए अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर जो कि आप लोगों को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले बात की जा रही है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के बारे में। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा अभी यहाँ पर बोला गया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को नोटिफाइड किया है कोविड-19 से जो पेशेंट होंगे और यहाँ पर उनको क्या किया जाएगा, फ्री टेस्ट देने की बात की जा रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो है जो कि इसके द्वारा यहाँ पर अपील की गई है प्राइवेट लैब्स यहाँ पर, ताकि फ्री ये सपोर्ट प्रोवाइड करा सके, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल किसके द्वारा चेयर की जाती है ये बताना है। कॉम कासा जो यहाँ पर एग्रीमेंट है किस कंट्री के साथ में है ये आप लोगों को बताना है। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी 2020 का जो एक्ट है वो किस एक्ट को रिप्लेस कर रहा है ये आप लोगों को बताना है। किस एरिया के जो प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा यहाँ पर ये बोला गया कि प्लेटफॉर्म टिकट उसको बढ़ा दिया जाएगा, तो किस एरिया के द्वारा यहाँ पर ये स्टेप उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया और इसकी थीम क्या है वो आप लोगों को कंप्लीट यहाँ पर करनी है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, ये आप लोग लेक्चर से अगर सहमत है और आप लोगों को लगा है कि ये अप टू द मार्क है तो ही लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक करके प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में इसको इंप्रूव किया जा सके। यहां से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे साथ में आप लोग यहां पर कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें, तब तक के लिए जय हिंद।